दिनांक 15/9/2023 को प्रातः 5:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना संदीपन घाट क्षेत्र के ग्राम मोहिद्दीनपुर गौस में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना के अनावरण के लिए स्थानीय थाने की टीम के अलावा सर्विलांस और स्वाट टीम के इंचार्ज को भी लगाया गया था। इन लोगों ने ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर की राइफल के अतिरिक्त 2 315 बोर के कट्टे और काफ़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। जो मूल FIR हुई थी उसमें 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 3 नाम और प्रकाश में आए हैं, जयकरण यादव और तीरथ निषाद और अनूप सिंह। जो घटना का मोटिव ज्ञात किया गया, जो जानकारी की गई, उसके अनुसार मोहिद्दीनपुर गौस में जो पंडा चौराहा है उसके सामने ITI कॉलेज बन जाने से और हाईवे प्रस्तावित हो जाने से वहाँ की ज़मीन काफ़ी बढ़ गई थी। सुसरन पासी जो वहाँ एक पट्टे की ज़मीन को एग्रीमेंट करा करके वहाँ रह रहे थे, उस ज़मीन से वो जो अभियुक्त पक्ष है वहाँ से उन्हें हटाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ आवासित रहते थे और वो उनके रिश्तेदार, उनके बिरादरी के लोग भी वहाँ रहते थे, जो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जो घटना के 3 मुख्य सूत्रधार हैं, जयकरण यादव, सुरेश सिंह और अमर सिंह, इन लोगों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना की योजना बनाया और घटना वाले दिन सुसरन के घर पर जाकर वहाँ सुसरन, उसकी पत्नी दुष्कली और उसके ससुर कोरीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को आज न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। जो मूल अभियोग है उसमें 120B IPC की बढ़ोतरी करते हुए धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगणों द्वारा कारित जघन्य अपराध के दृष्टिगत इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और NSA के अंतर्गत भी कठोरतम कार्रवाई करेगी। जवान जो उसने पकड़ा गया है उसका क्या मामला? ये जो सुरेश सिंह है ये PAC में कांस्टेबल है और ये मुख्य सूत्रधारों में से एक है। सब 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। ये जो हल्के के कर्मी थे उनको, चूँकि ये जिसमें जाँच चल रही है तो जाँच के दृष्टिगत उनको वहाँ से हटाया गया।